हम लोगों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हेयर फॉल। पहले जमाने में बंदा 45, 50 या 55 की एज में जाके उसका हेयर फॉल स्टार्ट होता था, लेकिन अब बंदा 20 साल का होता है उसकी टिंड आना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 8 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है एंड ऑब्वियसली किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज यहाँ से कंफर्म FNF। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो सबसे पहला रीजन फॉर योर हेयर फॉल इज सनलाइट। यस, ऐसा जरूर है कि सनलाइट, लोग बोलते हैं कि यार आप सनलाइट लो आपके लिए, आपके बोन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, लेकिन सुबह की धूप और शाम की धूप, बीच की धूप होती है जो तकरीबन 11 बजे से 4 बजे तक की होती है, वो बहुत नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि उसमें होती है यूवी रेज और यूवी रेज आपके बालों को, आपकी स्किन को और आपके जो स्कैल्प होता है, जो आपकी जो जिसको आप टिंड बोलते हैं, उसको डैमेज कर सकती है। जब आपका स्कैल्प, आपकी जो स्किन है वो डैमेज होगी तो आपके बाल डैमेज होंगे, आपके बाल कमज़ोर होंगे, आपके बाल कमज़ोर होंगे तो आपका हेयर फॉल होगा। तो जिन मेरे भाइयों का काम दोपहर में ही होता है तो यार वो कैप पहन के घूमो, लेकिन कैप तभी पहनो जब आप सूरज के नीचे हो, कहीं अंदर कैप मत पहनना क्योंकि कैप की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। जो मेरे भाई बाइक में घूमते हैं वो प्लीज़ हेलमेट पहन के घूमें, हेलमेट की वजह से भी आपके बाल बच सकते हैं, वैसे आजकल बहुत सकती है तो ऑटोमेटिकली आपको पहनना पड़ेगा। सेकेंड रीजन इज दी शैम्पू। हम लड़के क्या करते हैं कि जो शैम्पू बाथरूम में रख पाते हैं उसी से नहाना शुरू हो जाते हैं, या तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि शावर जेल से भी अपना हेयर वॉश कर लेते हैं। तो मेरे भाई तुम 25 साल की उम्र में गंजे नहीं होगे तो फिर कब होगे? नॉर्मल जो शैम्पू होते हैं जो आपको ग्रोसरी स्टोर या सुपर मार्केट मिलते हैं उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जिसके यूज करने से आपका हेयर फॉल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर फॉल नहीं हो तो ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक शैम्पू। ऑर्गेनिक शैम्पू जो है वो थोड़े से महंगे होते हैं, अगर आपका नॉर्मल शैम्पू 400 रुपए का मिलता है तो वो 500-600 का मिल जाता है। मैं ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करता हूँ, पहले मैं नॉर्मल शैम्पू ही यूज करता था लेकिन उसके बाद मुझे बहुत फर्क पड़ा है। तो ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक शैम्पू और ये जो केमिकल वाले जो शैम्पूज होते हैं प्लीज अवॉइड दोस। नंबर थर्ड रीजन इज स्वेट। हम लोग जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमको आता है पसीना, और सबसे ज्यादा जो स्वेट आता है वो आता है आपके बालों से। पसीना जब सूख जाता है ना वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में जाता है, और क्रिस्टलाइज फॉर्म जो है ना वो आपके पोर्स में जाके जम जाता है और आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। पोर्स जो है ना वो पूरी आपके स्किन में होते हैं, इवन आपके स्कैल्प में भी होते हैं, वो एक लंग्स की तरह होते हैं, जैसे आपकी बॉडी को सांस देते हैं तो पोर्स जो है ना वो आपके बालों को सांस देते हैं। जब आपके बालों को सांस नहीं मिलेगी तो वो कमजोर होंगे, जब वो कमजोर होंगे तो फिर आपके बाल ऑटोमेटिकली ग्रेंगे। तो जब भी आपको पसीना है आप घर जाओ हेयर वॉश करो, लेकिन ऑर्गेनिक शैम्पू से। नंबर फोर रीजन इज दी चीप हेयर प्रोडक्ट्स। मेजॉरिटी जो लड़का है ना जब वो ऑफिस जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है तो वो कोई ना कोई हेयर प्रोडक्ट जरूर यूज करता है। इवन मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो जिम में यार जेल लगा के आते हैं। क्यों यार, जेल या वैक्स आपको हफ्ते में 1-2 बार यूज करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अभी भी वो नोवा की जो 150 रुपए वाली जेल आती है वो ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, वो अभी भी यूज करते हो तो यार तुम 20 साल में गंजे नहीं होगे तो फिर कब होगे? अगर तुम हेयर प्रोडक्ट यूज़ ही करना है तो अच्छा प्रोडक्ट लो, 1500-2000 का अच्छा मिल जाता है जो कि 1-2 महीने ईजिली चल सकता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार हमारे बालों को नीड होती है, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हमारे बॉस से मीटिंग होती है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बाल बिखरे हुए हो। तो यार अगर इतनी ज़रूरत है तो आप या तो कोई सीरम यूज़ करो या क्रीम यूज़ करो, लेकिन डेली बेसिस पे हेयर प्रोडक्ट जेल या फिर वैक्स मत यूज़ करो। और अगर आप अभी भी वो 150 रुपये यूज़ करते हो तो यार प्लीज़ छोड़ दो उसे। नंबर फिफ्थ रीज़न इज़ ब्लो ड्राई। एक ना ट्रेंड चल चुका है कि एक बार आपके नाई नहीं हूँ बाल घुमा के ब्लो ड्राई क्या कर दिया, एक पफ बन गया, तो आप रोज़ वो पफ बनाओगे, रोज़ ऑफिस जाओगे, रोज़ स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाओगे तो वो ब्लो ड्राई करके आप पफ बना के जाओगे। या पता है होता क्या, आपके बालों से एक नेचुरल ऑयल निकलता है जो आपके बालों को शाइन देता है और उससे आपके पोर्स खुले रहते हैं। जब आप ब्लो ड्राई करते हो वो ऑयल जो है ना वो ड्राई हो जाता है, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आपके पोर्स बंद होंगे तो आपके बालों को सांस नहीं आएगी, बालों को सांस नहीं आएगी तो आपके बाल डैमेज होंगे, बाल डैमेज होंगे तो आपको हेयर फॉल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ब्लो ड्राई करना है, आपको दावत में जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है तभी ब्लो ड्राई करो, उसके अलावा प्लीज़ ब्लो ड्राई ना करो। महीने में 2-3 या 4 बार, मैक्स 4 बार ब्लो ड्राई करना है, इससे ज़्यादा मत करना। नंबर 6 इज दी हेयर डाई एंड स्ट्रेटनिंग। यार देखो होता है क्या, तुम्हारे बालों में होती है 3 लेयर्स, आखिरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। जब तुम बाल स्ट्रेट करवाते हो, डाई करवाते हो तो वो लेयर जो है ना वो डैमेज हो जाती है, फिर तुम्हारे बाल हो जाते हैं कमज़ोर और फिर तुम लगने लगते हो ऐसे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल मेरे तरह हो बिल्कुल, तो हेयर डाई करवाना छोड़ दो और स्ट्रेट करवाना छोड़ दो। नंबर 7 रीज़न इज़
food. I believe this is one of the important reasons this causes hair fall. We don't know what we eat, what we eat, junk food, oil, meaning healthy food. We are so far away. So obviously, our hair fall is happening. So you have to keep the intake of three things. The first thing is water. The first thing is water. As much water you can drink, you drink water in the day. It's good for your skin, your body, your hair, everything. Water is very important. The second thing is vegetables and fruits. Please try करो कि हर खाने के बाद थोड़े से vegetables या fruits खाओ, उससे आपकी body भी अच्छी होती है, उससे आपके बाल भी अच्छे होते हैं, आपके skin भी अच्छे होते हैं, मतलब ये जो fruits और vegetables होते हैं ये overall आपकी body पे काम करते हैं. And number third is protein. Please try कि आप protein अपने खाने में जरूर लें. जो लोग bodybuilding करते हैं उनको पता होता है कि इस खाने में कितना protein होता है. तो जो लोग नहीं करते वो अंडे का intake ज़्यादा करें, chicken, beans खाएं, वो dry fruits खाएं, इनमें protein होता है. तो ये तीन चीज़ का intake ज़्यादा रखें, इससे आपके hair fall में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा. And last but not least is stress. मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है. अब क्या करें, आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस इतना कॉमन है, मतलब छोटी सी एज में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और रीजन कुछ भी हो सकता है. यार आप ट्राई करो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वर्कआउट करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, मतलब अपने आपको बिजी रखो. जब तुम अपने आपको बिजी रखोगे ना तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, और जब तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा जो प्रॉब्लम होगी ना तुम उसका सोल्यूशन ईजिली निकाल सकते हो. जब तुम स्ट्रेस होगे तो तुम्हारा बाल गिरेंगे, तुम्हारे बाल गिरेंगे तुम गंजे होगे, तुम गंजे होगे तुम्हें डबल स्ट्रेस होगा. तुम बोलोगे यार मेरे बाल गिर रहे हैं, वो स्ट्रेस अलग, ये स्ट्रेस अलग, तो तुम यार फिर कहीं के नहीं रहोगे. तो यार ट्राई करो कि किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ताकि बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश करो. टेंशन नहीं लो यार मेरे दोस्त. तो गाइस दिस वाज इट, आज के लिए इतना ही. अगर तुम्हारे बाल ऑलरेडी झड़ चुके हैं तो मेरे दोस्त कोई बात नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े मशहूर ऐसे हीरो हैं जो कि गंजे हैं. तो इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो. तुम भी हीरो हो यार, अपने अम्मा अब्बा के, अपनी बहनों के, अपनी बीवी के, अपनी गर्लफ्रेंड के, इन सबके हीरो. तो कभी भी अपना वो कम मत समझना. तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ. टिल देन स्टे फिट एंड स्लेट. Adios.